सारी सराय विद्या सत्य देवाय धीमहि तनो सर्व पुतो गया ओम श्री साई देवाय नमः। मोर परिचय मां कैसर संती तो मुं आजी मोर दीर्घ 44 वर्ष ठाकुर सहित मुं रही आसी ठाकुर निकटवर हो आसी 1980 मसीह ठाकुर पाखे निजक समर्पण कर। मेरा परिचय आपने जिन्हें बोल दिया है, मेरा 44 साल का अनुभव है जो मैं आप सबके समक्ष पेश करना चाहती हूँ। 1980 और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हिसाब से बलांगीर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में ज्वाइन कर रहा था। उन टाइम उनका मेडिकल ऑफिसर दोनों फर्स्ट इंचार्ज आने सेकंड इंचार्ज ऑफिसर दोनों ही था के बाबा का डिपोटी बट अन्य कहीं नखिले तबे मु प्रथम बहुत स्पिरिचुअल मंटी के ऊपर विश्वास करे भगवान को विश्वास करे भगवान को नाम स्मरण को खूब भल लगे ते से टुटे हमर धर्म। मु 1980 में आज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ज्वाइन की बलांगीर में। वहाँ पर फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर और सेकंड मेडिकल ऑफिसर वहाँ के बाबा के भक्त थे, वहाँ बड़े बाबा के भक्त थे, साईं बाबा के। मैं भक्त थी मगर रोज अपना पूजा पाठ करती थी मगर बाबा के सामने बाबा के बारे में कुछ नहीं जानती। तो भजन मंडल एक था हमारा, वो भजन मंडल में सब लोग जाते थे, मैं भी जाती थी क्योंकि वहां से भगवान का नाम सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए नहीं तो भगवान विषय की जानती। तब हमारा कैंप सब पड़े बाहर को ऑपरेशनल कैंप खूब पर्वत मारा एरिया नई पर्वत सारा एरिया बाहर पहाड़ पक्ष को जाकि हमको काम सब करने को पड़े। तो आम टीम सहित टीम वर्क धरिक आम जाइल जाऊ छात भर आस थे आम जा। हमारा जब कैंप पड़ता था ट्रीटमेंट का, हमें पहाड़ नदी नाला बहुत दूर पार करके पैदल जाके हमें कैंप करके 7-8 दिन के बाद ट्रीटमेंट वहाँ खत्म करके आना पड़ता था। तो एक बार के कैंप के बारे में बोलना चाहती हूँ। सेकंड डे और थर्ड डे पढ़ा था हमारा ऑफिस एक स्टाफ हम पाखे जाए पहुंचे आम से कैंप को बाहर था गोटे हेडक्वार्टर से कहले जे हमर जे ब्लड एक्सटेंशन एजुकेटर थिले तांकर किडनी बहुत पेन होउछि ऑपरेशनल किडनी पेन होउछि असी एक अड़ी बसी छथि जे मते जदि डाक्टर बासी विभूति दियंती मु विभूति पाइला पर ही भलो हबी आ कुत्र भलो हबी जेते डाक्टर डका जाउछि से कोनसी मेडिसिन खाउ नाहंती। एक बार कैंप में जाने के लिए सब कोई तैयार थे हेड ऑफिस से, तो वहां के एक उनके ब्लॉक जो ऑफिसर थे उनकी किडनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो बोले कि मुझे अगर बाबा का विभूति दिया जाए तो तब मैं निकल सकता हूँ, तब तक मैं इंतजार कर। पोस्टपोन प्रोग्राम एवं डॉक्टर सांगे सांगे नहीं विभूति दे। उस ब्लॉक ऑफिस जो डॉक्टर थे उनकी जो किडनी प्रॉब्लम थी उनको विभूति लाके डॉक्टर साहब दिए और हमारा कैंप को उस दिन कैंसिल करना पड़ा, हम लोग वापस हेडक्वार्टर आ गए। तो विद इन मिनट्स बहुत विद इन सेकंड्स हमर पेन बंद हो गला। मु मध्य सेठ थी तो मैं बहुत आश्चर्य हो गली। ता पर दिन सकल से प्रशांती फैमिली धरी पड़े गए। एक मिनट नहीं एक कुछ सेकेंड्स के अंदर उनकी किडनी की जो दर्द थी पूरी तरह ठीक हो गई। मैं वहीं पर थी क्योंकि मैं भी एक हेल्थ ऑफ प्रैक्टिशनर हूँ और डॉक्टर हूँ, वहां पर ट्रेनर हूँ तो मैं भी वहां पर थी। तो उसके अगले दिन वो ऑफिसर प्रशांति के लिए निकल पड़े। मैं तो आश्चर्यचकित था, तब मैं बोली ऐसे कैसे हुआ, इधर किडनी का ऑपरेशन किडनी और ऑपरेशन पर इतना पेन विदाउट मेडिसिन किंतु भलो होला। हमर डॉक्टर कहले जे विश्वास मिले भगवान। मैं भी वहीं पर थी, मैं आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि
बिना दवाई का बिना मेडिसिन का ये कैसे ठीक हो सकता है। तो उनके जो डॉक्टर साहब थे, जो हेड डॉक्टर थे, वो बोले विश्वास के जहां विश्वास है वही भगवान है। तो मुझे मुझे भी लगा कि वो कोई मालिश वाला काम तो नहीं है ना, क्योंकि डॉक्टर को मालिश करने के लिए वो नहीं करता था तभी, ऐसा मुझे लगा था। तो मैं डॉक्टर को पूछा, मैं इसको हिंदी में बोले फिर भी बोलना चाहूंगी कि वो सोच ये सोच मैं सोची कि कहीं ये डॉक्टर को पालिश तो नहीं मार रहे हैं खुश करने के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना दवाई ठीक हो जाए। हाँ, क्योंकि मैं एक मेडिकल हूँ, मेडिसिन नहीं कहे तो कैसे है इससे बात। तो मेरे मन में ज्यादा जे मैं भी विभूति लूंगा। मैं बोली कि डॉक्टर को सर मुझे कुछ विभूति नहीं मिलेंगे क्या? वो बोले ठीक है तुम मेरे पास है ले जाओ, आए तो तुम चले जाओ कुटावर्ती चले जाओ ले आओ। मैं बोले नहीं, मैं टीके गुमान वाला था, मैं बोले नहीं, जब बाबा मुझे यदि बाबा भगवान है तो मुझे देंगे विभूति, वो मैं ले लूंगी, नहीं तो मैं नहीं लूंगी, ना पंखू ना कुटावर्ती। मैंने जीत ठान लिया कि मुझे भी विभूति चाहिए। डॉक्टर साहब बोले कि मेरे से ले लो, तो मैं थोड़ी जिद्दी थी, मैं बोली अगर लेना है तो मुझे बाबा ही देंगे, डायरेक्ट उन्हीं के हाथों से लेना है, ना मुझे पुट्टपर्ती जाना है ना डॉक्टर साहब से लेनी। अगले दिन मैं सुबह सुबह किसी फूल गजर हार तैयारी कली एवं मोर जो ठाकुर जगार आंटी के कुछ टाइम भूल गली जे जो मु जाए से मंदिर आम भजन मंडली से मत मोर ये ये देखिकी ठाकुर भजन मंडली जी देखिकी मत गोटे छोट ठाकुर छोट फोटो जोटा कि आज भी ठाकुर घर अच्छे फोटो देते गोटे गोटे कैसेट देते गोटे नुआ टेप किनते शुणी। मेरा भक्ति देख के हमारे जो भजन मंडली थे उन्होंने बाबा का एक फोटो दिया था जो अभी भी मेरे पूजा घर में है, और एक कैसेट दिए थे बाबा का, कुछ भजन थे उसमें जी। वो मेरे पास था उस दिन। मैं नेक्स्ट डे मैं सब कबाड़ झरका मेरे क्वार्टर तो गवर्नमेंट क्वार्टर मोर था थिला, तो मुझे सब कबाड़ झरका दे देगी नी मुझे निजे पूजा स्टार्ट करी। से दिन मो काम बालिक मध्ये बंद कर दीजिए तुम आसवे रखा नहीं, मुझे निजे सब करी करी पोछा पोछी घर करी ठाकुर पूजा स्टार्ट करी। उस दिन अगले दिन ये कैसेट और भगवान का फोटो मिल गया, मैंने मन में ठान लिया कि आज मैं पूजा करूंगी। काम वाले को मैंने बंद कर दिया, तुम मत आना आज, मैं खुद साफ कर लूंगी, सब दरवाजा खिड़की बंद करके इन्होंने मैंने पूजा शुरू कर दी। मेरी गवर्नमेंट क्वार्टर में मैं पूजा शुरू की, तो टेप ऑन कर ली एवं टेप संगे हमारा भजन फर्स्ट लाइन जब आमे सेकंड लाइन आमे तो कंटिन्यू करू सेमिति मुझे भजन गाई था। भजन मंडल जाए मोर अभ्यास ही था, जो मोर मन न था गाई चली, कि मोर कमी मन में गोटे प्रचंड विश्वास था बाबा मत देवे विभूति पाइबि ये आशा। ऑडियो जो कैसेट था मैंने ऑन कर लिया, पूरा मुखस्त तो नहीं था भजन बाबा का, पहले तो भजन मंडली जाती थी मगर बाबा एक लाइन बोलते थे फिर मैं उसके साथ साथ रिपीट करती थी, फिर दूसरा लाइन, फिर मैं दूसरा लाइन बोलती थी, ऐसे ही रिपीट करके कर अपना पूजा आरंभ की। भजन सरी गला परे आमर अच्छी कौन ना आमर आरती आरती हुए, आरती रे एक मंत्र अच्छी आदि कर सला परे परमान पवित्रम बार विभूति के हम विभूति लोग। भजन खत्म हो गया फिर आरती रहता है बाबा का, वो आरती जला के मैं आरती कर ली सबको बोलते है कि बोलते थे तब तक कि आरती जैसे ही खत्म हो जाती है बाबा चले जाते हैं, मगर मेरे मन में ये ख्याल था कि मुझे मैं इसी आशा से पूजा कर रही थी उस दिन, मुझे कैसे भी करके मुझे विभूति आज मिल जाए। आरती सरी गला आरती सरला पर मत आखिर लो झरी जाता जे मु भावता आ मते मिली बनी विभूति तापर मु तले नमस्कार करी। मु नमस्कार कला बेले आरती खत्म हो गई और मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था क्योंकि तब तक मुझे विभूति नहीं मिली थी, और नीचे में फोल्डेड लेग से भगवान जी को पूजा कर रही थी, नमस्ते कर रही थी। सही समय रे मो मुंडे उठे कर कोरासी पड़ीला जोटा कि मु फटे डरी गली का सब बड़े क्वार्टर झरका बंद गवर्नमेंट क्वार्टर तापर नदी जंगल मते के डर हे गेला उठी पड़ी उठी के अनेला को मु मुंडो पाखरे
देखो पैकेट पड़ी। मैं नमस्ते कर रही थी और तब मेरे सर में कुछ आके लगा, और मैंने तो सारा दरवाजा खिड़की बंद की थी, और ये जंगल के अंदर एक गवर्नमेंट क्वार्टर था, उसके पास नदी थी, तो मुझे मुझे थोड़ा सा डर लगा। सारा कुछ बंद है, क्या गिरा मेरे सर के ऊपर? देखा तो एक पैकेट है, कागज का पुड़िया। तो मैं खुला का देखा, विभूति थी और खुशरा मंदर सीमा न थी, लुह झरी झरी जाऊ थी। मैं विभूति देख के खुशी के मारे मेरा रोना रुक नहीं रहा था, और मैं एकदम गोटे पर सिंधरिंग स्टेज आज देखे थोड़ू थी एकदम। तापरे बाबा को परम पवित्र विभूति कहिकि से विभूति मार लगेली एवं दौ दौड़ बारे क्वार्टर घर घर कबाट खोली दे घर घर का बाहर को पड़े समस्त कहिया पाई जे से दी डॉक्टर दी हो के मु एम जाती विभूति पाई छी। बाबा का परम पवित्रम जो मंत्र है बोल के मैंने विभूति लगाई, और खुशी के मारे थोड़ा सा डर भी लगा, सिवरिंग हो रहा था, मैं डर गई थी सारे बंद के बावजूद ये कैसे गिरा। वो तो खुशी के मारे, थोड़ा डर के मारे घर से बाहर निकल गई सबको बोलने के लिए कि मुझे विभूति मिला है। इन बैक टू दैट ड्रेस, एक पूजा ड्रेस में, उसी पूजा ड्रेस में वो बोली कि ओ ऐसा होता है, आप जाइए और कूल कूल रेस्ट लीजिए। मुझे लगा मुझे इतना बड़ा मैंने कौन कौन सब ठीक है, और मैं आसली ऑफिस भी गली तापरे 10 को टेस्ट चेंज करी ऑफिस में बसी पाले मत कि कोठी कंति कोन लागला हमर मत कहले नाही ऑफिस जान तो हमर रेस्ट। मैं वो दोनों ऑफिसर्स के पास गई थी ऑफिस में बोलने के लिए, तो उन लोग समझ गए, उन लोग बोले मुझे कि तुम जाओ शांत होके जाओ, आराम से बैठो, तुम चिंता मत करो। जब उन लोग उतना एक्साइट नहीं हुए मेरा बात सुन के, फिर मैं दूसरे दिन ऑफिस गई, मगर मैं थोड़ा बेचैन थी। आपरे सिद्धन थोर उम्र बहुत विश्वास एकदम गाढ़ हो गला सत जमती 100% मत लगला नाही बाबा ही भगवान एवं समस्त को कहले बाबा ही भगवान। आउ सेठ मु गोटे सिखिली जे विश्वास मूले भगवान, विश्वास थिले पत्थर भी अपन। उसके अगले दिन से मुझे पता चल गया कि बाबा ही भगवान है, मेरा विश्वास बहुत ही मतलब 100% से ज्यादा मेरा विश्वास बढ़ गया बाबा के प्रति, और मैं सबको बोलने लगी बाबा ही भगवान है। इसमें शिक्षा मिले जे विश्वास मूले भगवान, इससे सीख मिलती है कि विश्वास जहां होगा भगवान वही है। हाँ अभी तो आहुरी किसी बहुत किसी मो लाइफ रे परिवर्तन घटी आ बहुत की छोटो मोटो घटना अच्छी लाइफ रे 44 वर्ष अभिज्ञता जदि कहि बसे बाबा कहंती बा आमे इते जे सत्संग बहुत अटेंड करे से कह जाए जे जदि जने दिगोटी तार निजर एक्सपीरियंस कहिबो प्रत्येक लाइफ ओटे ओटे बही हे जबो मु कहती मोर बहुत 44 खंड बही हबो। मेरा 44 साल का बाबा के साथ मेरा जीवन मैंने बिताया है, बाबा के प्रति मेरे अनुभूति है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि बाबा भी बोलते हैं, या सब लोग अगर जितने भी बाबा के भक्त हैं अगर वो एक किताब लिखे तो मेरे जैसे अगर 44 साल है मेरे 44 बुक बन जाएंगे, इतने छोटे छोटे इतनी अनुभूतियां हैं मेरे बाबा के साथ। मोर एति गुड़ाक अनुभूति भितर मुझे किछुटी दुई चार गुड़ी अनुभूति आपको सहित सेयार करने चाहूँ। इतने ही सारे अनुभूतियों से मैं सिर्फ 4 अनुभूति आज लेके आई हूँ, एक आपको बोली और 3 बोलूंगी। 1983 मसीहा घटना मोर बाहर सही जाए थे मार्च मस डिसेम्बर 22 तारीख में पड़ा आम बाल विकास प्रोग्राम कूटवर्ती आम भजन मंडल कहीं बड़ स्त्री लोक ना 1983 में डिसेम्बर 22 में बाल विकास प्रोग्राम आया, और उनके भजन मंडली में कोई लेडीज नहीं थे कि जाने के लिए, क्योंकि गर्ल्स बाल विकास मिले जा रहे थे बच्चे जी, और उसके लिए भजन मंडली वाला मत डाक लिया आप हमको पार्टिसिपेट करके एकदम खुशी खुशी हाँ बदली कहीं मोर बहुत इच्छा था मैं कही गोटे जी देखिए से मानसर गली 12 जन पिला बुधरी आम जाइल। तो ये भजन मंडली बोले कि आपको आना पड़ेगा, ये खुशी खुशी मैं खुशी खुशी राजी हो गई, 12 बच्चों को लेके हम लोग पुट्टपति निकले, और बाल विकास टीचर भी था और मैं थी और एक मेडिकल अफसर होना सकते जो कि बाबा कटे बुटी है वो चली गई ट्रेन में जी। मैं थी एक बाल विकास, मैं थी एक मेडिकल ऑफिसर थे और जो कि बाबा के डिवोटी थे, और 12 बच्चों के साथ हम लोग पुट्टपति निकले ट्रेन में। वहां पे हम 14 दिन का प्रोग्राम आमर थिला
ସେଠି ମୋ ପାଖରେ ବାଲ ବିକାଶର କିଛି ଆଇ କାର୍ଡ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବାଲ ବିକାଶ ଟିଚର ସେମାନଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଆମ ପାଇଁ କିଛି ରୁମ୍ ନଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁମ୍ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛ ମୂଳେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା। ଆମକୁ हम लोग का ये जो बाल विकास प्रोग्राम 14 दिन का था। मेरे पास आई कार्ड नहीं थे, बच्चों को रूम मिल गया, जो मेडिकल ऑफिसर थे उनको मिल गया। मेरे पास आई कार्ड नहीं था तो हमें एक पेड़ के नीचे रहना पड़ा 14 दिन, एक छोटा सा पेड़ के नीचे। तो बाली उपरे रहिया पड़ला। तबे कोटा थाडे मोर खाली गोटे जिनस मोर थाए मन रे, जे मोर खाली ठाकुर को दर्शन करी, इतनी की आशा रे मु जाई थे बाबा को दर्शन करी। इस 14 दिन का ट्रिप में मेरा एक ही आशा था, कैसे मैं बाबा को एक बार दर्शन कर लूं। सेठी मु 4 बजे वो 4 बजे उठी गाड़ी पर लेके ठाकुर को सब सबले फास्ट लाइन में बसुतली, जो उठी बाबा पाद दर्शन दे परिब। मोर पाद दर्शन ही लगोतेला ने पाद छुए की नमस्कार करीबी, पाद नमस्कार मोर आज ईसा। हर दिन मेरा काम था, मैं 4 बजे उठ के नहा धोते जाके पहले लाइन में बैठती थी। हमारा एक ही लक्ष्य था कि मैं बाबा का पाद दर्शन करूं, पाद छू के नमस्ते करूं। किंतु प्रतिदिन बाबा आसंती मो सामना दे जाती, हमर थे जहां पकरे बाबा पाद दर्शन देबे से पाद दुबी टिक तंको आग्रह थई देबे से पाद छै नमस्कार करिवो। नाही तो एमिति छुइ देले किछ नै, किंतु हमर डिसिप्लिन टा को भंग करियो पड़े। से तो मु छुइ लेनी मत दबा तो मु देबी, किंतु मत से तो मिलला नै। मु देखु थाय जैसे समस्त बाबा किसी ना किसी सुनियर सृष्टि करी का विभूति टिके का कौन टिके दौता पाद नमस्कार भी दंड दौता किंतु मत दे। हम लोग बैठते थे, वहां का नियम था कि बाबा जिसको भी अपना पैर मतलब पाद नमस्कार देते थे वो उनके प्रति पैर पूरा मोड़ के दोनों पैर को जोड़ के खड़े होते थे, और जो भी छूकर नमस्ते करते, हाँ भक्त थे उनका पैर छू के नमस्ते करते थे, डिवोटी, हाँ डिवोटी नमस्ते करते थे। ये डिसिप्लिन था। और कोई जाके कोई कोई लोग होते थे कि जबरदस्ती जाके छू लेते थे। मेरा मैं डिसिप्लिन बाबा मुझे पैर दिखाएंगे और मैं नमस्ते करूंगी। अब शाम को ऑडिटोरियम रे बाबा आया आसंती एवं दियंती स्पीच दियंती भजन गांती, आमे ताने बोलू आस दर्शन। 14 दिन बीती गला भीतर मस्जिद दिने ऑडिटोरियम में हर दिन बाबा आते थे, अपना दर्शन देते थे और प्रवचन देते थे। फिर हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतता जा रहा। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଯେତେବେଳେ ବାବା ପୁଣି କାର ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଦୌଡ଼େ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଦେଲେ ମୋତେ ଏମିତି ପେଟ ପୁରିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ତୁମା ସେ କହେ ଯେ ମୋ ଠାକୁର, ସେଠି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ଠାକୁର ମୋ ଠାକୁର ଘରେ ଠିକ ଥିଲେ, ସେଠି ମୋ ବାବା ଠିକ ଥିଲା, ଇଏ ବାବା ଠିକ ନାହିଁ। ମୋତେ ତ କିଛି ଦଉ ନମସ୍କାର ଦଉନି ଆଉ, ଏଟା ଆସି ମୁଁ କହେ। ଜବ ବି ବାବା କହି ନିକଲତେ ଥେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ କେ ଯାତେ ଥି ଥୋଡ଼ା ସା ବାବା କା ପାଦ ଦର୍ଶନ ନମସ୍ତେ କରନେ କା ମୌକା ମିଲେ, ମଗର ମୁଝେ ନହିଁ ମିଲତା ଥା। ତୋ ମନ ମେ ସୋଚ ଆୟା କି मेरे बाबा मेरे मंदिर में ही सबसे अच्छे हैं, वहां तो मुझे रोज अच्छे से मिल जाते हैं, यहाँ पर तो मेरे को दर्शन ही नहीं देते। तो मेरे को थोड़ी सी बाबा के प्रति गुस्सा था। एक दिन 4 फुट और फीस दे मैं बाबा बाहर ले कार मुझे दौड़ दौड़िए गुटे गच मिले चुपचाप फेरी गई। मुझे देखी थी बाबा को, मुझे देखुची बाबा पाद रखुच्च गाड़ी में कड़े जी फास्ट पाद राइट साइड पाद रख सारे लेफ्ट साइड टी भर बस गए। हठात बाबा पाद को काढ़ी आनले पूरा डायरेक्ट मत बुल अनेले एवं मत डायरेक्ट आशीर्वाद दे जोटा कि बंद कर। फिफ्थ डे बाबा कहीं जा रहे थे कार में, तो मैं दौड़ के गई, खड़ी हुई और बाबा राइट पैर अपना कार में डाल दिए थे, लेफ्ट को उठाने वाले थे, तुरंत मुड़ गए और दोनों पास सीधे पैर सीधे रखे और मेरे तरफ मुड़ के मुझे ऐसे आशीर्वाद दिए। और एक खुशी के मारे मेरे पांव तले जमीन उठ गया। सही दिन तो मो लाइफ रो बहुत चेंज हो गया। फिर तो मुझे दिन ठारो केवल मो जीवन रे हारिबा मु सिखिनि, सबुटि मु जीतिछि कहिना सबुटि मोर बाबा थांति मो पाखरे, सबुबेले मु अनुभव कर मो पाखरे बाबा थांति प्रत्येक मुहूर्त। उस दिन से मेरी जीवन बदल गई, मेरी सोच बदल गई कि मैंने हारना नहीं सीखा, हर पल मुझे हर कोशिश में मुझे बाबा का साथ था। और सत्य धर्म मेरा साथ तो था ही, तभी बाबा आ गई तो मैं मेरे जीवन सही हो बदल गया और मैं खुशी खुशी जीवन बिता रही हूँ। और इसीलिए कि मैं सोचती हूँ जो सत्य जो लगन थी
मनर इच्छा शक्ति थी तुम निश्चय किसी ना कि पाइब। इसलिए मैं अभी सोचती हूँ कि जहाँ लगन होगा इच्छा शक्ति होगा आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। क्योंकि मुझे बाबा को किसी मागिनी क्या बाबा बही मो पा बहुत बुक्स अच्छी सत्यम शिव सुंदरम बही रामचरित मानसर जो राम रस राहिनी आश्री साई सचरित ये बयस पढ़े एवं आउ जो मासिक पत्रिका सनातन सारथी आने बाल विकास मगाए ताधर मुझे शिखी बाबा कहती तुम किसी मागवन मुझ तुमको सब देवी ठीक टाइम हाँ तुम सुख दुख सेयार कर दि। मेरे पास बहुत सारे बाबा के बुक्स है जो मैं पढ़ती हूँ जो कि ओडिया में कुछ कुछ बुक्स के नाम है। तो मेरे पास बहुत सारे बुक्स के कलेक्शन है। बाबा हमेशा बोलते हैं कि मुझे कुछ मत मांगो, मैं जो जरूरत होगा मैं तब तुमको दे दूंगी सही समय पे। क्योंकि मैं सही माता हूँ, माँ जिते बड़े छुआ मागुच मत ब्लेड दियो बा नाइफ दियो माँ दौनी कहीं ना छुआ हाथ कटिज तेणु जिते अधिक कांदी गड़ी तो हाथ कटि जाऊँ ठीक से तुम जब मत कांद गड़ब मु तुम दुख सही पारिनी देदेवी फिर तुम से कम न लगे पारे तेणु तुम समस्त सुविधा असुविधा मत कहीदि मु तुमको ठीक टाइम ठीक जिन समाधान बाट जगे देवी तेणु तुम कांदे मुझ तुम नाइफ टा तो धरे देवी ना धरले लाभ भी किसी हम। मैं साई माता हूँ, जैसे माँ माँ के सामने बच्चा रोता है मुझे छुरी दे दो छुरी दे दो, बच्चा तो जानता नहीं है तो जब वह ज्यादा रोएगा जिद करेगा तो मैं दे देता हूँ। मगर मैं माँ हूं ना, मुझे पता है कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो तुम अपना जो जरूरत है मुझे बोल दो, सही समय पे मैं आपको वो दे दूंगा। तो आप जिद मत करो, अगर जिद करोगे जो गलत चीज है मैं दे दूंगा तो आप फिर उसका भरपाई करना पड़ेगा। तो बाबा को कहार अच्छी सब बाबा तोर इच्छा पूर्ण हो सब सुख दुख जहां भी हूँ सका जनईद पूजा कला बेले सन्धार पूजा कला जनईद शोला बेल को बाबा को जनईदे कि नमस्कार कर आज ये भल कर्म कली एत खराब करा नहीं ओम साई राम लिखी नमस्कार कर बाबा को जनईद सी ठीक ता सका गोटे मेसेज आकार मेरा इतने अनुभूति में ये मैंने महसूस किया है कि सुबह प्रेयर में बाबा को अपना सारा चीज बता दो, दोपहर की प्रेयर में सारा बता दीजिए और रात की प्रेयर में सारा बता दीजिए। आपने क्या अच्छा काम किया आज का और क्या बुरा काम किया और क्या आपको जरूरत है। अगले दिन सुबह बाबा कुछ मैसेज के द्वारा या कुछ मैसेंजर के द्वारा कुछ दूतों के द्वारा कोई भी इंसान का रूप या कोई भी रूप के माध्यम से वो आपकी जरूरत या जो आपकी इच्छा है वो पूरी करने में आपको मदद करते हैं, ये मेरी पूर्ण विश्वास है। तापर आउ गोटे नेक्स्ट घटना को जाऊँ 1984 मो पुओ मो पेट कनसीव करता है मो देह हटात खराब है प्यूराल इन्फ्यूजन हो गला इन दैट टाइम मैं ट्रांसफर हो जाती केन्द्रापड़ा। 1984 में मैं कंसीव की थी, मैं पहला बच्चा, उस दौरान मेरे अंदर मेरे लंग्स में पानी चला गया। तो मैं कटक एससी में मते एडमिट हो पड़ला देड़ मास सेटी मैं एडमिट ही रहली तते बड़े ते न थाए माने डेवलप करने था हेल्थ मेडिकल साइंस जति डेवलप करता सेति के मते एडमिट चलो देड़ मास एडमिशन ही रहली सेटी। कटक में एक एससीबी मेडिकल है जो बहुत अच्छा मेडिकल तब माना जाता था, वहां पर मैं 1.5 महीना एडमिट थी इस परिस्थिति के लिए क्योंकि मैं कंसीव भी की थी और मेरे लंग्स में पानी था और मेडिकल सिस्टम इतना एडवांस नहीं किया था इसलिए मुझे वहां एडमिट होकर रहना पड़ा। वो मुझे एवरी 7 वीक मत मोर एक्सरसाइज करियो पड़े मत गोटे सिल्किन ड्रेस पिंधि एक्सरसाइज करवा पाती कहीं पिला किसी रेडिएशन प्रभाव पड़ो बोलिका करा जाए कि मत डॉक्टर एवरी 7 डे बोले या 7 वीक बोले 7 डेज एवरी 7 डेज एवरी 7 डेज हर 7 दिन में मुझे एक गाउन पहना के क्योंकि मैं कंसीव की थी मेरा एक्सरे किया जाता था क्योंकि बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा इसलिए मुझे कुछ कपड़े पहना के उस मेरा एक्सरे किया जाता था। इतनी सेफ्टी भी नहीं था तो डॉक्टर बोली थी देखो तुम्हारा बच्चा हुए तो बाई बम डिफेक्ट किसी डिजाइन आसी पारे से किसी व्यस्त होनी किंवा स्टील बा बेबी हो पारे जेहतु मेडो करी मुझे बुझी पार्थी के रेडिएशन को देह को जाऊँ तेणु आप व्यस्त हो आगे माँ बची जाऊ देखिपारे। डॉक्टर उस दौरान एक्सरे के दौरान मुझे बता दिए थे कि
आपके बच्चे के ऊपर प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, हो सकता है कुछ फिजिकल डिजेबिलिटी या मेंटल डिजेबिलिटी के साथ पैदा हो, या स्टिल बर्थ जिसको बोलते हैं कि माँ की कोख में ही बच्चा का परवरिश ना हो पाए और बच्चा वहीं पर खत्म हो जाए, कोई भी स्थिति हो मगर हम माँ को बचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं सीखा था, देखा था प्रशांति में बाबा किसी रोगी मैंने जो हस्तांति कार गोर चलता है कार वो आखी जरा कथा कोई पुना दिवार तो आउस दिन तक भलो हो जाए मु भाभी मु तो आउस दिन बाबा ना रे मो छुआ भले जन्म हो तो मु प्रतिदिन बाबा को ना रे मो छुआ को आउसली मो पेट एवं विभूति बोलती। मैं जब प्रशांति गई थी तब देखी थी कि बाबा बहुत सारे लोग ऐसे आते थे शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम को लेके, किसी का पैर नहीं है, किसी का आंखों में प्रॉब्लम है, तरह तरह की प्रॉब्लम के साथ बाबा उनको सिर्फ सहला देते थे हाथों से और उनकी तकलीफ दूर हो जाती थी। वो सोच मुझे तब याद आया तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ अपने बच्चे को अपने पेट को सहलाऊंगी रोज, शायद मेरा बच्चा ठीक हो जाए। अवश्य प्रीमैच्योर बेबी जन्म होला 8.5 मास जन्म ही गला किंतु सब ठीक ठाक था तथापि मोर मन में डर थिला काले केते बेले बड़ होला पर आउ किछ बाहरिबो किंतु नाही। मेरा बच्चा 8.5 महीने में आज प्रीमैच्योर बेबी पैदा हो गया, फिर भी मेरे मन बहुत अच्छा ठीक ठाक कोई भी तकलीफ नहीं थी, मगर फिर भी मेरे मन में एक शंका थी शायद आगे जाके कुछ तकलीफ होगा। तो प्रति मास रे डॉक्टर को ध्यान दिए पेट स्पेशलिस्ट प्रति मास देखेली कले सब ठीक ठाक अभी वो एबे से वो को आई आर्मी रो लेफ्टिनेंट कर्नल एंड सेकंड कमांडिंग ऑफिसर अच्छी मु को भाई करू नी से दिन तो छुआ आज अच्छी एडी पहुंच को आज ही से कथा बेबे कहे मत। हाँ, हर महीने में डॉक्टर का चेकअप कराती थी तो ऐसे ही अच्छे से दिन बीतते गए, उसका कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। आज वही बेटा मेरा सेकंड लेफ्टिनेंट कर्नल है और सेकंड हैंड कमांडर है और बहुत अच्छा से जीवन बिता रहा है बाबा के आशीर्वाद से। एठी गोटे मते मु सत्य बेले किंतु मते गोटे लाइन कहबे हमर हेल्थ रो डेफिनेशन थिला हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज बट आज मु देखु जे 2008 रो हमर मेसेज आसिला जे हेल्थ रो डेफिनेशन चेंज होला हेल्थ इज ए फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। त मु भाबु छी आज तो सही दिन ही बाबा ठीक थिला जे स्पिरिचुअल का सेठी हेल्थ डिफिनेस में मिसी बात थिला सेटा आज ही तो मिसला डेरी रे ते सेटा मु अनुभव कर छी। आज पहले हेल्थ का डेफिनेशन था हमारा मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबीइंग नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज नॉट मेरली एब्सेंस। मैं 2008 में, क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन में थी तो 2008 में और एक एस्पेक्ट जुड़ा हेल्थ का, मेडिकल सॉरी मेंटल फिजिकल सोशल और स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल जो अभी मैं वो एस्पेक्ट को मैं समझ पा रही हूँ। हाँ, मेरे बेटे का ये 79 स्टूडेंट हूँ ना अभी वो तीन में था फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग बट स्पिरिचुअल जोड़ा है गला तक तापरे ये गोटे थिला मोर बड़ अनुभूति आ आज मु बाबा को कृतज्ञता मो केते केमिति कृतज्ञता जणी भी मो भाई परे ना बाबा जते भी जणी ले कम हो ये दो मेरे अनुभूति है। बाबा को मैं कैसे अपना कृतज्ञता अर्पण करूं, मुझे कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। तापरे आ एक घटना खूब बड़ घटना 1986 एई छुआ सहित जोड़ा हो वो झील जन्म होता है मात्र 1.5 मास रो 6 वीक्स पर हमारो अगली मेरी एक अनुभूति है। मेरी सेकंड चाइल्ड जो मेरी बेटी है 1986 में जो पैदा हुई 1.5 महीने की थी तो 6 वीक्स पर हमारो डीपीटी पोलियो बोली इंजेक्शन दिया जाए आउ तारा साइड इफेक्ट बढ़ता बड़े बड़ा है हजार लोग करे गोटे लोग को गोटे 6 वीक्स के बाद बच्चे को डीपीटी पोलियो वैक्सीनेशन दिया जाता है जिसका बहुत साइड इफेक्ट्स भी रहता है मगर उसका रेशियो रहता है 1000 में 1 बच्चा। जो जोटा की दुईटा सब कहता एनाफाइलेट की सब कहती जोटा की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट करे से पेशेंट हबा अनकनसियस हो जाए पेल कलर रही जाए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो तीन टाइम जिस हुए
उसका साइड इफेक्ट जो डीपीटी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है जो मेरे हाँ जो जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, बच्चा पेन हो जाता है और अनकॉन्सियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, रंग नीला पड़ जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग रखा, पेल कलर ही अनकनसीयस संगे संगे बाप कह गोटे गाड़ी ठीक कर, से गाड़ी गुड़ा मिल ना तेना गाड़ी पाइबा ये कहे गाड़ी कौट मिल ठीक है तुम देख ये कहवा भितर मुझे ठाकुर घर को छल कर पड़ी एक चीज मैं भूली कि 1000 में से जो एक बच्चे को होता है वो मेरी बेटी को हुआ और बेटी का स्थिति को देख के मैं अपने पति को बोली कि गाड़ी ठीक कीजिए हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, ये बोले कि कहां से गाड़ी ठीक होगा ऐसे बोल के, तब मैं अपने बच्चे को लेके बाबा के मेरे मंदिर में चली गई। वहां मैं तो ऐसे ही सब प्रतिदिन गायत्री मंत्र 108 थर जप करे और महामृत्युंजय मंत्र भी 108 थर जप करे ता सहित बाबा 108 ना डेली जप करे से दिन कि मोर मानने मैंने महामृत्युंजय मंत्र गायत्री मंत्र किसी मन पड़े नी खाली 108 ना बाबार कौन मंत्र मो छुआ को मुकुड़े रखी झाड़ी चली तीन थर 108 ना झाड़ला पर मुझे देख ला मो छुआ पेल कलर भाई मो छुआ आखि खिल मत अनाऊ मो सांगे सांगे बाबा गोर तक सुई दे। मैं हर दिन जब पूजा करती थी 108 बार मैं गायत्री मंत्र जप करती थी और गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र 108 बार और बाबा का नाम का जो 108 नाम है उनका नाम जपती थी। उस दिन अपने बेबी को देखते हुए अनकॉन्सियस और पेल देखते हुए मंदिर लेके चली गई, अपनी गोदी में बेटी को रख के मुझे और कुछ भी याद नहीं आया कि गायत्री मंत्र जपू या महामृत्युंजय मंत्र जपू, सिर्फ मुझे बाबा का 108 नाम आते गया और मैं बेबी के ऊपर हाथ सहलाते गई और 3 बार 108 बार मैं बाबा का नाम जपते हुए डर डर के मैं बेबी के ऊपर देखी तो बेबी का रंग जो नीला पड़ गया था वो हल्का होने लगा था और बेबी आंख खोल रही थी। बाबा को पुत्र सोई दे बाबा को कुटी कुटी धन्यवाद बनतेली। तापर इतने सेकंड डोज थर्ड डोज दिया जाए बेटी का ये रंग धीरे धीरे कम हो रहा है और सचेत हो रही है देख के बाबा के चरणों में फोटो था उनके चरणों में बेबी को वहां सुला दी और आने वाले दिनों में और भी जो वैक्सीनेशंस थे वो देते रहे। समस्त मते मना करिया सत्य मध्ये हम देली कि तुमर कोनोसी रिएक्शन केबे को छुआ रहे सीधे तुम मो जान ली सबको ही मना करते थे कि वैक्सीनेशन मत दीजिए, फिर भी मैं बाबा के भरोसे बाबा के ऊपर विश्वास रख के सारे वैक्सीनेशन दो देना था मेरी बेटी को। सब ही भगवान को इच्छा भगवान को लीला आवरी गुटे घटना अच्छी टाइम जदी हो सब ही भगवान कर सब सारा भगवान का इच्छा होता है और भगवान का ही लीला होता है, हम निमित्त मात्र है। जी बोलिए। बहुत अच्छी तो आवरी मोर रही छी ये वो घर में बहुत एमती मिराकल जाई छी उठी केते बेले 108 मारी भांगी जाई छी तो रात के तैयारी होई जाई छी केते बेले मोर ठाकुर केते बेले मोर पूजा सरला पर बाबा उठी जांदी सेते बेले मोर छतरी पूरे बहुत किछ होय गा उते के समय हले आप मान के सब कहिबी त हम आज खाली एती ही कहिबी आमी किछ मांगिबानी भगवान को खाली कहबा प्रभु तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे घटना घटे हैं। ये मेरा एक माला था 108 माला तुलसी का वो टूटा और वो जुड़ भी गया। बाबा को जब मैं पूजा करती थी आरती करती थी बाबा का मैंने एक फोटो शेयर की हूँ आपके साथ, उसके ऊपर एक छाता था, छाता है अभी भी सिंहासन के ऊपर एक छाता है, जब आरती करती हूँ आरती के बाद छाता अपने आप घूमता है। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, जब आप समय देंगे तो जरूर मैं बताऊंगी। अजी कहवी लोक समस्त सुखी भवंतु एवं समस्त को बाबा करो आशीर्वाद मिलू से अभय हस्त आम समस्त मुंड उपरे थाउ यति कहि बाबा करो पद तुगळ रे संपूर्ण पद कमळ रे निज को संपूर्ण समर्पित करी धन्यवाद प्रणाम मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूंगी। बाबा का कृपा सबके ऊपर बना रहे, इसके साथ मैं अपना बात को विराम देती हूँ। ओम साईं।